हेलो एवरीवन, आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो पहले भी सुन रखी होगी। इसमें दोनों एक रेस करते हैं और फिनिश लाइन के पास पहुंचते ही खरगोश सो जाता है और कछुआ वो रेस जीत जाता है। और जिस पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट दो लेसन्स भी सिखाए जाते हैं कि अपनी स्किल्स को लेकर कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, और दूसरा पॉइंट, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। आपने स्टोरी का सिर्फ एक ही पार्ट सुना था, बाकी के तीन और पार्ट हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारी रियल लाइफ में भी हमारे कंपटीटर्स या जो खरगोश है वो कभी फिनिश लाइन के पास सो नहीं जाते। इसके बाद क्या होता है, खरगोश रेस हारने के बाद बहुत सैड हो जाता है और वापस से जाकर कछुए को एक और रेस के लिए चैलेंज करता है। कछुआ हाँ कर देता है, रेस फिर से स्टार्ट होती है, डेट डिसाइड होती है, वेन्यू डिसाइड होती है। वापस से वो दोनों एक रेस के लिए आते हैं, दोनों एक साथ भागना स्टार्ट करते हैं और तेज भागते हुए खरगोश ये रेस जीत लेता है। वो पहली वाली गलती नहीं करता। इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि फास्ट एंड एक्टिव विल ऑलवेज बीट स्लो एंड स्टडी। जी हाँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस पुरानी बात हो चुकी है, समय बदल चुका है, चीज़ें अपडेट होती हैं, इसीलिए आप हमेशा अपडेटेड रहिए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कछुआ सैड हो जाता है। कछुआ जाता है वापस से खरगोश के पास, कहता है चल एक और रेस करते हैं। खरगोश हाँ कर देता है क्योंकि खरगोश को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस होता है। दोनों फिर से रेस स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट से भागना स्टार्ट करते हैं। इस बार भागते 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 खरगोश के पैर अचानक से रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं पता है, क्योंकि आगे तालाब होता है, पानी होता है, और खरगोश को तैरना नहीं आता। खरगोश सोचता है क्या करूं क्या करूं, कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। इतनी देर में कछुआ धीरे धीरे आता है, पानी में डुबकी मारता है और रेस जीत लेता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमेशा अपनी स्किल्स को देखते हुए ही अपना रेस ट्रैक चूज कीजिए। दूसरे को हराना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका जीतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, जब एक रेस खरगोश जीत जाता है और एक रेस कछुआ जीत जाता है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं और दोनों एक साथ इस रेस को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, एक टीम की तरह। जितनी देर जमीन रहती है उतनी देर कछुआ खरगोश की पीठ पर बैठता है, और जितनी देर पानी रहता है उतनी देर खरगोश कछुए की पीठ पर बैठता है, और वो रेस जीत लेते हैं। इस रेस में फाइनल जो फोर्थ रेस थी, इसमें इनका एम एक दूसरे को हराना नहीं, सिर्फ और सिर्फ जीतना था। हमारी लाइफ में हमारा जीतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरे का हराना नहीं। जब आप घर से निकलते हो तब आपका एम सिर्फ जीतना होता है, लेकिन किसी की बात आपको हर्ट कर गई, कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप दूसरे को हराने पर ज़्यादा फोकस करते हो, इज रिस्पेक्टिव कि आप अपने जीतने पर काम करो। जीतने की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये चैनल है विनर्स एंड लर्नर्स, लूजर्स नहीं, विनर्स एंड लर्नर्स। जीतना है और सीखना है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आगे ऐसी स्टोरीज, बुक समरीज और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि आगे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और कमेंट्स में अपने रिव्यूज़ और आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँ वो लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।